आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों समाधान यात्रा पर है। आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का समाधान यात्रा का आज 10वां दिन है। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज समाधान यात्रा के लिए आरा पहुंचेंगे। इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने नीतीश कुमार को घेरते हुए नजर आए हैं। उन्होंने कई मुद्दों को उठाया है और मुख्यमंत्री नीतीश को यहां तक कह दिया कि जनता की गहरी कमाई से प्रतिदिन आप खर्चा कर रहे हैं, प्रतिदिन समाधान यात्रा कर रहे हैं, लेकिन समाधान नहीं होती है। वहीं उन्होंने आरा को लेकर कहा कि अस्पताल बनने की बात हुई थी लेकिन अब तक अस्पताल नहीं बनी है। अगर हम सड़क की बात करें तो सड़क की भी दिशा वहां पर बहुत ही खराब है। आगे और क्या कुछ कह रहे हैं पहले आप वो सुनिए। माननीय मुख्यमंत्री जी का समाधान यात्रा महागठबंधन सरकार बनने के बाद पहली बार आरा में वो जा रहे हैं। आरा में दिसंबर तक एक दर्जन हत्याएं हुई है। बालू माफिया ने अपना आतंक फैला दिया है। इनके द्वारा प्रशासन से साठ गांठ कर शहर में बालू वाले इलाके पर अघोषित कब्जा कर लिया गया है। अवैध बालू पर खनन निरंतर जारी है। आरा के समरा मैदान का अतिक्रमण और बीचों बीच स्टेडियम बन जाने के कारण यह ऐतिहासिक मैदान भी अपना महत्व खो दिया है। ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा घटिया क्वालिटी का सड़क बनाकर पैसा लूटा जा रहा है। एग्रीमेंट में मेंटेनेंस का प्रावधान के बावजूद भी मेंटेनेंस नहीं कराया जा रहा है। आरा छपरा पुल यह सालों भर 2400 घंटे जाम रहता है। आरा में मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति है सालों से, लेकिन कार्य प्रारंभ नहीं हो रहा है। सतड़ी के पास 40 एकड़ का कृषि फार्म बेकार पड़ा है। पूरे बिहार की तरह भोजपुर में भी धान की खरीदारी नहीं हो पा रही है। सरकार उसना अरबा चावल के चक्कर में किसानों के साथ जुल्म कर रही है। खाद की समस्या भोजपुर भी अछूता नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी, उसकी क्या उपलब्धि है आप कभी नहीं बताते हैं। सीएम के किसी भी यात्रा पर जो खर्च होता है, प्रत्येक वर्ष जो यात्रा की है जिसमें जनता की कमाई की गाढ़ी कमाई का करोड़ों रुपया खर्च होता है, हर एक दिन के यात्रा पर 1.5 से 2 करोड़ रुपया हर जिले के अंदर खर्च है। माननीय मुख्यमंत्री जी, इस यात्रा की उपलब्धि आपकी शून्य दिखाई पड़ रही है। ये हम नहीं, आपके राजद के अध्यक्ष भी कहा कि अगर जो उपलब्धि होती तो दोबारा यात्रा करने की जरूरत नहीं पड़ता। सीएम को ऐसी यात्राओं पर श्वेत पत्र जारी करना चाहिए ताकि जनता को उपलब्धि और खर्च का ब्यौरा मिल सके। और यहाँ के प्रभारी मंत्री, आपके सरकार के उप मुख्यमंत्री जब से बने हैं, अपराधियों का मनोबल क्यों बढ़ा, आपराधिक घटना क्यों बढ़ी, बेतहाशा आज जो अपराध बालू और दारू का खेल हो रहा है खुल करके, इस पर भी समीक्षा करें, वहाँ के लोगों को बता सके माननीय मुख्यमंत्री जी कि जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे का क्या उपलब्धि रहा। एक श्वेत पत्र जारी करें, तभी आपका यात्रा का कोई महत्व रहेगा। अपने अहंकार की पूर्ति के लिए आप जनता की गाढ़ी कमाई से पिकनिक मनाना बंद करें मुख्यमंत्री जी। आपने किस तरह से नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा नीतीश कुमार को घेरते हुए नजर आए हैं। कई मुद्दों को उन्होंने उठाया है और यहाँ तक कह डाला कि आप जनता का पैसा समाधान यात्रा के दौरान खर्च कर रहे हैं लेकिन समाधान नहीं हो रहा है। वही अस्पताल को लेकर भी क्या कुछ कह रहे थे, सड़क को लेकर क्या कुछ कह रहे थे वो आपने सुना। फिलहाल के इस अपडेट में इतना ही। तमाम अपडेट के लिए देखते रहे सिटी पोस्ट लाइव। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।